Good morning, students. In the last videos, you have learned about the use of articles. In this video, I have come with your second chapter with use of some and any. छात्रों, पिछले वीडियो में आपने आर्टिकल्स के इस्तेमाल के बारे में, प्रयोग के बारे में आपने पढ़ा, उसके इस्तेमाल के बारे में आपने जाना, सीखा. इस वीडियो में मैं आपके लिए चैप्टर 2 लेकर के आया हूँ आपके एडवांस से ट्रांसलेशन एंड कंपोजिशंस का. तो इससे आज आपको यूज ऑफ सम और एनी के बारे में पढ़ना है. एनी के अर्थ होते हैं कोई, कुछ भी, चाहे कोई भी, कोई एक या बिल्कुल भी. तो वही सम का अर्थ होता है कुछ, थोड़ा सा, एक, कोई, लगभग, कुछ एक या पर्याप्त. हम इसके प्रयोग यूज देखेंगे कि एनी और सम का यूज किस स्थिति में होता है. तो प्रायः कुछ के लिए अफर्मेटिव सेंटेंस में सम का और नेगेटिव तथा इंट्रोगेटिव सेंटेंस में एनी का प्रयोग किया जाता है. मतलब कुछ के लिए हम सम का इस्तेमाल सकारात्मक वाक्य में और एनी का इस्तेमाल हम प्रश्नात्मक वाक्य में हम कर सकते हैं तथा नकारात्मक वाक्य में करते हैं. मतलब इस तरह से स्पष्ट है कि अफर्मेटिव सेंटेंस में सम का और नेगेटिव तथा इंट्रोगेटिव सेंटेंस में एनी का प्रयोग करते हैं. जैसे मेरे पास कुछ पैसा है, आई हैव सम मनी. क्या मेरे साथ की सॉरी क्या आपके साथ कोई समस्या है, हैव यू एनी प्रॉब्लम. अगर प्रश्नकर्ता को हाँ में उत्तर मिलने की आशा हो तो सम का प्रयोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस में भी किया जा सकता है. अगर आंसर यस में होने की उम्मीद हो तो ऐसी स्थिति में आप प्रश्नात्मक वाक्य के साथ सम का प्रयोग कर सकते हैं. जैसे क्या उस पंसारी के पास कुछ चीनी है, हैज डैट ग्रोसर सम शुगर. यहाँ पर आपको हाँ में जवाब मिलने की आशा है कि हाँ भाई, इस दुकानदार के पास चीनी है. निमंत्रण या प्रार्थना के लिए भी सम का प्रयोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस में किया जाता है. इनविटेशन के लिए इनवाइट करते हैं किसी को, है ना, रिक्वेस्ट करते हैं किसी से, तो ऐसी स्थिति में आप इंट्रोगेटिव सेंटेंस के साथ सम का इस्तेमाल कर सकते हैं. जैसे क्या आप थोड़ी चाय लेंगे, या आप इनवाइट कर रहे हैं तो विल यू हैव सम टी. जब वक्ता या लेखक किसी वस्तु, स्थान या व्यक्ति से अपरिचित हो या वह उसका नाम लेना न चाहता हो तो ऐसी स्थिति में सम का प्रयोग किसी या कोई के अर्थ में किया जाता है सिंगुलर नाउन के साथ. सिंगुलर नाउन के साथ ही सम या एनी का इस्तेमाल किया जाता है इस स्थिति में, जब वक्ता या लेखक, है ना, किसी वस्तु, स्थान या व्यक्ति से अपरिचित होते हुए भी उसका नाम न लेना चाहता हो. जैसे मैंने राघव को किसी दुकान में देखा था, आई सॉ राघव इन सम शॉप्स. सम का प्रयोग लगभग के अर्थ में किसी संख्या से पहले किया जाता है. जैसे वे इस नगर में लगभग 20 वर्ष पूर्व आए थे, दे केम इन दिस सिटी सम 20 ईयर्स अगो. तो यहाँ पर भी आपने देखा कि संख्या 20 है, तो 20 से पहले आपने, 20 ईयर्स के पहले आपने सम का इस्तेमाल किया. मतलब किसी संख्या से पहले भी आप सम का इस्तेमाल कर सकते हैं. सम का प्रयोग पर्याप्त या बहुत या काफ़ी के अर्थ में किया जा सकता है. पर्याप्त, बहुत या काफ़ी के अर्थ में उसे व्यक्त करने के लिए आप सम का इस्तेमाल करते हैं. जैसे मैं काफ़ी समय दिल्ली में रहूँगा, मतलब दिल्ली में अधिक दिन रहने का उम्मीद है. तो यहाँ काफ़ी का अर्थ हुआ, बहुत का अर्थ हुआ. तो आई शैल लिव इन दिल्ली फॉर सम टाइम. कुछ समय, मतलब काफ़ी समय के लिए यहाँ पर दिखाया, तो समय को व्यक्त करने के लिए, काफ़ी समय को व्यक्त करने के लिए सम का इस्तेमाल यहाँ पर हुआ. सम का
प्रयोग किया गया। इफ के साथ कल्पना और अनुमान के लिए सम या एनी का प्रयोग किया जाता है। जब आप कल्पना करते हैं तो इफ के साथ आप सम या एनी का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे अगर हमारे पास कुछ पैसे होते तो हम आपकी सहायता करते। इफ वी हैड सम एनी मनी वी वुड हैव हेल्प्ड यू। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि कल्पना और अनुमान की बात हो रही है कि अगर हमारे पास कुछ पैसे होते तो हम आपकी सहायता करते। तो इस स्थिति में आप सम और एनी दोनों में से किसी का भी इस्तेमाल आप कर सकते हो। चाहे कोई या किसी भी के अर्थ में एनी का प्रयोग अफर्मेटिव सेंटेंस में किया जा सकता है। मतलब चाहे कोई या किसी भी, अगर यह अर्थ व्यक्त होता हो तो आप स्वीकारात्मक कथन के साथ, स्वीकारात्मक वाक्य के साथ आप एनी का प्रयोग कर सकते हो। जैसे इन पुस्तकों में से जो चाहो वह पुस्तक ले लो। टेक एनी ऑफ दीज बुक्स यू लाइक। अब यहाँ पर बहुत सारे पुस्तक हैं तो उनमें से आपकी पसंद हो रही है कि जो भी पुस्तक आपको अच्छी लगती हो, जो भी पुस्तक आप पसंद करते हो उस पुस्तक को आप ले लो। सम तथा एनी दोनों का प्रयोग अनकाउंटेबल नाउन अगणनीय संज्ञाओं के साथ किया जाता है। मतलब सम और एनी दोनों का आप प्रयोग अनकाउंटेबल नाउन के साथ आप कर सकते हो। जैसे मुझे उनसे कोई सहायता प्राप्त नहीं होती, आई डू नॉट गेट एनी हेल्प फ्रॉम देम। तो आप यहाँ पर देख रहे हो कि आई डू नॉट गेट एनी हेल्प फ्रॉम देम, तो यहाँ एनी का इस्तेमाल किया गया सहायता के लिए। तो सहायता क्या है, कोई काउंटेबल नाउन नहीं है, मदद। तो इस प्रकार से आपने देखा कि सम और एनी का इस किस तरह से इस्तेमाल किया जा सकता है। प्रिय छात्रों, आप इस वीडियो को गौर से देखें और इसे समझने का प्रयास करें। आपके बुक में एक्सरसाइज हैं और इसी के आधार पर आप उस एक्सरसाइज को खुद बनाने का प्रयास करें। कहीं कुछ अगर प्रॉब्लम्स महसूस हो तो आप मुझसे ज़रूर मेरे व्हाट्सएप नंबर पर आप पूछ सकते हो। ओके, थैंक्स।